रोटी है तू, जीवन का रोटी है तू, जीवन के रोटी है तू ही प्रभु, प्रभु यीशु। से मेल मिलाप करने का बात हो रहा है परमेश्वर से, हालेलुया। हर एक इंसान को परमेश्वर से मेल मिलाप करने का जरूरत है। आज इस दुनिया में आप चारों तरफ देखिए, हर परिवार में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कोई ना कोई कष्ट है, हालेलुया। हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो अभी जो हालात है ये ऐसा हमेशा नहीं था। एक समय था जब इंसान शांति से रहता था, प्यार से रहता था, हालेलुया, आदम अव्वा के समय, हालेलुया। आदम अव्वा को जब परमेश्वर ने इस दुनिया में सृष्टि किया, पहला इंसान को परमेश्वर इस दुनिया में सृष्टि किया, तब ये दुनिया में बीमारी नहीं था, तब ये दुनिया में अशांति नहीं था, तब ये दुनिया में दुख, आंसू, तकलीफ कुछ भी नहीं था, हालेलुया। लेकिन ये दुनिया में ये पाप, ये संकट, ये मुसीबत कैसे आया? जब इंसान परमेश्वर से दूर हुआ, आमीन। जब परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कटा, तब इंसान के जीवन में पाप आया, दुख आया, नाना प्रकार की तकलीफ और बीमारी आने लगा, हालेलुया। लेके पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब 3:8 से। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनके सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ये पहला मनुष्य आदम और अव्वा, कब परमेश्वर से ये लोग का संगति टूटा? हर दिन परमेश्वर क्या करता था, ये आदम अव्वा से मिलने आते थे, इनका परमेश्वर उस दिन से, जब परमेश्वर उस दिन शाम को उतरा वो लोग से मेल मिलाप करने, आदम और अव्वा छिप गए, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर से एक रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो लोग छिप जाते हैं, कोई पाप, कुछ भी गलती कर देते हैं और फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, मीटिंग में आना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं दारू पी लिया, क्योंकि मैं ये कर लिया, मैं वो कर ली, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करना है, परमेश्वर से ये जो मेल मिलाप है ये कभी टूटने नहीं देना है, हालेलुया। जब परमेश्वर का हमारे साथ एक मेल मिलाप होगा, क्या होगा, हमारा जीवन में हमेशा परमेश्वर दुख में, मुसीबत में, हर टाइम पे हम लोग परमेश्वर से जाके मिलने पाएंगे, हालेलुया। जो बहुत सारे नए लोग आए हैं, हालेलुया, हम लोग किसी से भी बात करने जाते हैं, उनसे पहले से हमारा अगर रिश्ता रहेगा तब ना हम लोग मुसीबत में उनके पास जा पाएंगे, आमीन, आमीन। किसी अनजान व्यक्ति को बोलेंगे क्या कि आप मेरे लिए ऐसा कीजिए, मेरे को वैसा कीजिए, मुझे वो दीजिए, वो 100 में से 1 या 2 होगा जो ऐसा देगा, हालेलुया। लेकिन ज्यादातर हम लोग किसके पास जाते हैं, जो हमारा मित्र हो, जिनसे हमारा पहले से ही मेल मिलाप हो, जिनसे हमारा पहले से कोई रिश्ता हो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर इंसान को परमेश्वर से मेल मिलाप करना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। जब हम मुसीबत में होंगे, तकलीफ में होंगे, कोई इंसान मदद करे ना करे, परमेश्वर हमें मदद करना चाहता है, लेकिन क्या तब हम लोग मुसीबत के दिन परमेश्वर साने से चलेगा? नहीं, हमें पहले से ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है, और चाहे कोई भी जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाए, कलिशा आना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, हर दिन का जैसा समझ लीजिए, शाम को कोई गलती हो गया, कोई पाप हो गया, कोई दारू हो गया, कुछ भी हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत रात को उस दिन भी प्रार्थना करना है, प्रभु का वो मेल मिला, आदम अव्वा जो गलती किया वो हम लोग नहीं करना है। हो सकता है आदम अव्वा उस दिन जब पाप किया, प्रभु से छुपने के बजाय अगर प्रभु के पास आके माफी मांगा होता तो वो लोग को इतना दंड नहीं मिल रहा होता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? आदम अव्वा उस दिन जब पाप किया, अगर उस दिन ही प्रभु के पास वापस आ गया होता तो उस दिन वो लोग को वो दर्द नहीं मिलता जो वो लोग को मिला, हालेलुया। वो लोग को परमेश्वर तभी तुरंत ही माफ कर देता क्योंकि प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन उस दिन आदम अव्वा परमेश्वर से छुपा, हालेलुया, और अपना गलती को नहीं माना, हालेलुया। इसलिए अय्यूब में यहाँ क्या लिखा है, उससे मेल मिलाप कर। यहाँ पे अय्यूब में क्या बोल रहा है, अय्यूब परमेश्वर से मेल मिलाप कर, किस लिए? तब तुझे शांति मिलेगी, हालेलुया। आजकल लोग शांति के लिए दारू पीते हैं, शांति के लिए गुल करते हैं, शांति के लिए तरह तरह का नशा करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसके पास जाते हैं, वो अंगूठी पहनते हैं, वो माला पहनते हैं, वो ताबीज पहनते हैं,
लेकिन क्या उनको सच में शांति मिलता है? नहीं नहीं, हालेलुया। शांति हम लोग कभी किसी से कोई भी चीज से खरीद नहीं सकते, शांति सिर्फ परमेश्वर देता है। कितना परिवारों में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, मन में चैन नहीं है, लेकिन ये सब का हल सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया। अय्यूब में क्या लिखा है? उससे मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। वो शांति जो कोई नहीं दे सकता, वो शांति आपको कब मिलेगी? जब परमेश्वर से हम मेल मिलाप करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर से हम कैसे मेल मिलाप करेंगे? प्रार्थना के द्वारा। आमेन। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम मिलते हैं, परमेश्वर हमसे मिलता है। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहां उतर कर आता है हम लोग से मिलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। और कोई भी रास्ता शांति के लिए नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह वादा किया, मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, ये संसार देने के प्रकार शांति नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अपना ही शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। जो तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया। आपको परमेश्वर जो शांति देगा, वो शांति कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा, कोई भी तकलीफ आपसे छीन नहीं पाएगा, कोई भी इंसान कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले आपके विरोध में, आपका अंदर का वो शांति जो परमेश्वर देता है, उसको कोई इंसान, कोई भी दुनिया का ताकत बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, अपना घर में परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, और जब परमेश्वर आपको घर में शांति देता है, कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी आपका घर का शांति को बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर से मेल मिलाप करके आज तक किसी को बुराई नहीं हुआ। हालेलुया। बिगड़ता हुआ जीवन को संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो भी गिरा हुआ इंसान है, हरेक को उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दुख में तकलीफ में पड़ा हुआ हरेक को परमेश्वर नया जीवन, नया आशा देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से मेल मिलाप कर। हालेलुया। कितना लोग है, कोई नेता आ जाते तो उनसे मिलने चले जाते, उनसे उनसे जान पहचान कराने चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन एक नेता से जो कर सकता है, उससे भी हजार गुना बढ़कर परमेश्वर हमारे। आमें, आमें। हालेलुया। हालेलुया। तो आज वचन में जैसे बोला, परमेश्वर से मेल मिलाप कर। हालेलुया। किसी इंसान से मेल मिलाप करे ना करे, किसी इंसान से आपका जान पहचान हो ना हो, किसी इंसान से आपका दोस्ती हो ना हो, परमेश्वर से जिस इंसान का मेल मिलाप है, उसको और कोई इंसान का मदद का जरूरत नहीं है। आमें, आमें, आमें। हालेलुया। उसको कोई भी इंसान का, कोई भी गवर्नमेंट का, कोई भी सरकारी ऑफिसर का दोस्ती का जरूरत नहीं पड़ेगा। यस पिता। हालेलुया। परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। हालेलुया। आपके जीवन में शांति मिलेगी, आपके परिवार में शांति मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। और तेरा भला होगा, तेरे घर पे भला होगा, तेरे जीवन में सिर्फ भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में कहता है, धर्मियों के जीवन में जो कुछ भी होता है, परमेश्वर वो हरेक चीजों को उनको भलाई के लिए ही कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई हमारा बुराई भी करना चाहे तो भी परमेश्वर उस हरेक चीजों को हमारे लिए भलाई के लिए ही बदल देगा। हालेलुया। हरेक परिस्थिति, हरेक बुरा परिस्थिति को भी प्रभु हमारे लिए एक आशीष का कारण बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी और तेरा भला ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।